तो बहुत दिनों के बाद मैं DIY या तो फिर कुछ इम्प्रूवमेंट का वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं कल जा रहा हूँ एक राइड पे, बहुत दिनों के बाद राइड पे जा रहा हूँ। गाइस आप देख सकते हो हमने ऑलरेडी एक मिरर ये लगाया है, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया रहेंगे। तो बहुत दिनों के बाद मैं DIY या तो फिर कुछ इम्प्रूवमेंट का वीडियो बना रहा हूँ बाइक के लिए। तो अभी हम आए हैं राकेश के गैरेज पे हमेशा की तरह, और इस बार हम क्या कर रहे हैं वो बताते हैं। तो मैं कल जा रहा हूँ एक राइड पे, बहुत दिनों के बाद राइड पे जा रहा हूँ, तो उसी की वजह से थोड़ा मतलब थोड़ा मेंटेनेंस और थोड़ा सा एक बोला ना इम्प्रूवमेंट का वीडियो बना रहा हूँ। तो हमने इस बार लाए हैं डबल ब्रेक क्लास, डबल ब्रेक मिरर्स। आपको तो मालूम है डबल ब्रेक मिरर्स ऐसे होते हैं कि अगर गाड़ी वीड़ी गिरे तो भी वो टूटते नहीं है, और उसमें है ना काफ़ी सारे एडजस्टमेंट होते हैं, मतलब लूज़ नहीं होते हैं यूजुअली। अगर राइड पे वो लूज़ हुए तो फिर यार वो स्पैनर वगैरह ढूंढो फिर टाइट करो। उससे अच्छा ये डबल ब्रेक जो मिरर्स होते हैं इनमें ये आप है ना ऐसे नॉब पे टाइट होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। चलो 2000 years later गाइस आप देख सकते हो हमने ऑलरेडी एक मिरर ये लगाया है। तो आप देख सकते हो ये इस नॉब पे ये आप जैसे चाहिए वैसे घुमा सकते हो। देखो ये बहुत इजी एडजस्टमेंट है और दिखने में भी अच्छा दिखता है। तो अभी जैसे मैंने कहा मैं राइड पे जा रहा हूँ, तो ये हम पहली बार लगा के टेस्ट करने वाले हैं कि कितनी आसानी है, मतलब पीछे का व्यू कैसे दिखता है, कितना आसान होता है। तो मैं आपको इसका रिव्यू बाद में देता हूँ राइड करने के बाद। ये हमने किससे ये मिरर खरीदे वो मैं बताता हूँ आपको, और बेस्ट पार्ट है तो गाइस इन्होंने ये एक अलग एडजस्टमेंट भी दिया है, मतलब अगर किसी गाड़ी पे आप ये सीधा फिट कर सकते हो तो ये वाला जो है ये पार्ट ये इस पर सीधा बैठेगा, अगर ये नहीं बैठ रहा है तो इन्होंने किसी गाड़ी के जो मिरर्स के ना जो जिसपे मिरर बैठते हैं वो बड़े होते हैं वो, तो इसके लिए इन्होंने ये चार पीस दिए हैं अलग अलग साइज के। देखो ये छोटा है ये बड़ा है, मतलब इसके थ्रेड है ना पतले हैं इसके मोटे हैं। तो अच्छा खासा सोचा है इन्होंने ये सब करने के पहले। तो ये मिरर्स कितने में पड़े मैं भी आपको बताता हूँ, क्योंकि आप यूजुअली आप देखोगे डबल ब्रेक मिरर्स जो होते हैं वो 16-17 हज़ार से शुरू होते हैं, तो ये मुझे काफ़ी सस्ते में पड़े। दिल्ली वाला एक वेंडर है तो मैं उसके डिटेल्स भी आपको देता हूँ। सो गाइस मैं शूट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि या तो मैं काम कर सकता हूँ या तो शूट कर सकता हूँ। तो मैंने बोला जैसे राइड के लिए जा रहा हूँ, हमारे जो चार इंडिकेटर्स है उसमें से तीन बंद हो गए थे, मतलब एक एक उसका बल्ब फ्यूज़ हो गया था LED, और एक जो है वो टूट गया था। तो हमने सोच रहे हैं कि चारों बदले। तो अभी मैंने अब बस देख सकते हो कि आगे के मैंने ये दो चेंज किए, इसके लिए मेरे को ये पूरा असेंबली निकालना पड़ा। अभी ये कैसे निकालते हैं कैसे फिट करते हैं मैं बता सकता था, लेकिन मैंने जैसे कहा कि शूट करने के लिए कोई नहीं, तो अभी ये दो नए इंडिकेटर्स लग चुके हैं, और अभी ये पीछे के दो इंडिकेटर, मतलब ये तो देखो हमने ऐसे फिट किया है और ये बंद हो गया है। सो गाइस अभी हमारे इंडिकेटर लग चुके हैं, तो मैंने सिर्फ आगे के दो इंडिकेटर लगाए, पीछे के नहीं लगाए। आगे का एक चल नहीं रहा था इसके लिए पीछे का भी नहीं चल रहा था, तो आगे का इंडिकेटर लगाने के बाद पता चला कि ये अपना पीछे वाला देखो इंडिकेटर अभी चल रही है, और ये थोड़ा टूटा हुआ है। तो अभी ये सब पूरा खोलने से अच्छा है कि हम लोग ऐसे ही चलाते हैं, अगली बार जब भी कुछ हो जाएगा तभी उसको हम नए डाल देंगे। वैसे तो नए हमारे पास पड़े हैं ऑलरेडी स्पेयर में, हमको सिर्फ उनको डालना है। तो अभी मैं वीडियो का वो पार्ट बनाने वाला हूँ जिसके लिए मुझे काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आए हैं, वो है थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग। मतलब थ्रॉटल बॉडी है ना मैं स्प्रे से क्लीन करता हूँ, ये मैं अपनी कार में भी इस्तेमाल करता हूँ अपने बाइक में भी इस्तेमाल करता हूँ। तो मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे कि आप जब करोगे तो मैं इसका वीडियो निकाल के बताना। तो ये एयर फिल्टर मैंने निकाला है, एयर फिल्टर का ये है एयर फिल्टर। एयर फिल्टर भी आप देख सकते हो नया डाला हुआ है। तो अभी मैं बताता हूँ आपको थ्रॉटल बॉडी में कैसे क्लीन करता हूँ। सो गाइस ये है 3M का थ्रॉटल बॉडी क्लीनर, थ्रॉटल प्लेट और इंटेक क्लीनर, तो मैं यही इस्तेमाल करता हूँ। अब मैं इसका प्रोसेस बताता हूँ आपको, एवरी 2000-2500 किलोमीटर्स में एक बार मैं इसको क्लीन करता हूँ। करने के लिए आपको बीच बीच में एक्सीलेटर देना है,
साल हो गया। चार पांच बार मारना है एंड दैट्स इट, इंजन बंद करो और हो गया, मतलब पीस ऑफ माइंड। सो गाइस, ये जो आप स्क्रू लगाते हो जब भी, मतलब फिटिंग के टाइम पे, इसको ना पूरा टाइट मत करो, हल्का हल्का टाइट करना, मतलब चार पांच थ्रेड लगाए ऐसे और इसको छोड़ दो, फिर अगला लगाओ। क्योंकि क्या होता है, अगर आप कोई एक ही टाइट करोगे तो फिर दूसरे है ना इसके होल मैच नहीं होते हैं, तो आपको बस इसको हल्का हल्का लगाना है। अब ये चारों स्क्रू लग गए, अब मैं इसको स्क्रूड्राइवर से टाइट कर लूँगा ताकि वो बराबर फिट हो जाए। तो गाइस, जैसे मैंने आपको ये बताया कि आपको पहले है ना हल्के हल्के स्क्रू चार पांच थ्रेड लगाने हैं, बाद में टाइट करना है, तो दिस इज समथिंग ना, ये आपको तुरंत नहीं आएगा, मतलब ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको जब भी एक्सपीरियंस आएगा तभी आपको ये छोटी छोटी चीज़ें पता चलेगी, ताकि उसके वजह से आपका काम आसान होता है। तो अभी हमने एयर फिल्टर का कवर लगा दिया और अभी हम अगला काम कर रहे हैं। तो बेसिकली जैसे मैंने कहा, आज हमारा DIY बाइक मेंटेनेंस या बाइक इम्प्रूवमेंट या एक्सपीरियंस इम्प्रूवमेंट, आप कुछ भी बोल सकते हो, ये सब चल रहा है क्योंकि कल हमारी बहुत बड़ी राइड है। गाइज़, आपने देखा मैंने चेन लूप भी किया, तो बहुत दिनों से चेन लूप नहीं किया था, कल मैंने चेन पूरा साफ़ किया, मतलब डीजल से क्लीन करके वॉशिंग सेंटर पे, फिर पूरा स्पीड में, मतलब पूरे फोर्स से पानी मारा। तो गाइज़, मैं ये निकावी का लूप वापरता हूँ, मतलब दिस इज़ लाइक, जब से मैंने गाड़ी लिया, स्टार्टिंग में मैंने 3M का नहीं, किसका लिया था, मोटूल का लिया था, उसके बाद मैं निकावी यूज़ करता हूँ। दिस इज़ वेरी इकोनॉमिकल और मतलब आज तक मेरे को इसने दिक्कत नहीं दिया, बहुत अच्छा चलता है ये। तो ये चार कैन के पैकेज में आता है अमेजोन पे, इसका लिंक मैं आपको शेयर करूंगा, चार आप लोगे तो सस्ते में पड़ जा रहा हूँ, 900 समथिंग है, और ये 400 ml का एक एक कैन है, मतलब ऑलमोस्ट मेरी है ना 8-10 राइड एक कैन पे चली जाती है, मतलब एवरी 300 किलोमीटर्स में लूप करता हूँ, दैट इज़ समथिंग मैंने जिसको कांस्टेंट रखा है जब से मैंने गाड़ी खरीदा, 300 किलोमीटर के बाद मुझे लूप करना ही करना है, और इसी वजह से मेरी पहली चेन अराउंड 24,000 किलोमीटर चली और ये अभी मेरी दूसरी चेन है। तो चलो अभी मैं एक इसका टेस्ट लेता हूँ, राइड लेता हूँ, टेस्ट राइड लेता हूँ और देखता हूँ ये कैसे अभी इसका करेक्टर कैसे हो गया। सो गाइस, काशी इज रेडी फॉर द राइड, आप देख सकते हो ऑल सेट, चेन लूप विन लूप सब कुछ हो चुका है, अभी कुछ नहीं करना है। ये डबल ब्रेक मिरर्स हमने लगाए हैं, इसका अभी हम देखेंगे कि कैसे परफॉर्म करते हैं लॉन्ग राइड पे। उसके अलावा एयर फिल्टर चेंज किया हमने, मैनिफोल्ड साफ किया, क्लीन किया है, मतलब थ्रॉटल बॉडी क्लीन किया है, ये थोड़ा ग्रीसिंग ग्रीसिंग ऑयलिंग विलिंग सब कर दिया है, और ये जो स्विचेस है इसमें मैं WD-40 मारता हूँ हर बार वॉशिंग करता हूँ, तो इसके वजह से ना इसका मूवमेंट अच्छा रहता है। अभी भी ये ओरिजिनल है, अभी तक सब इंटैक्ट है, 6 साल हो गए। और ये चार्जर है, इसमें मैं कॉन्टैक्ट क्लीनर यूज़ करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कॉन्टैक्ट क्लीनर क्या है। आप इसमें WD-40 मारोगे तो ये शॉर्ट होने की चांसेस है, इसके लिए इसमें कॉन्टैक्ट क्लीनर, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट क्लीनर यूज़ करता हूँ मैं। क्या बात है सर। और ऑल सेट, ऑक्सेलरेटर्स वगैरह सब चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, ब्रेक व्रेक सब ठीक है, तो ऑल सेट फॉर द टुमारोज राइड। अभी यहाँ से चलते हैं और अभी हमारी पैकिंग करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने राइड की कोई भी पैकिंग नहीं की है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो गाइस, आपने देखा इंजन, मतलब जब से फिल्टर डाला है इंजन एकदम स्मूथ हो गया, और मतलब ऐसे लग रहा था कि पहले ना गाड़ी की सांस है ना बंद की थी, मतलब नाक पे किसी ने हाथ रखा था, इसके लिए उसको सांस लेने की तकलीफ हो रही थी, लेकिन अब ये फिल्टर डालने के बाद है ना ऐसे, मतलब तब से खुली हवा ले रही है वो, और परफॉर्मेंस में मतलब बहुत फ़र्क पड़ गया,
और मतलब पूरा गाड़ी का कैरेक्टर चेंज हो गया। तो चलो हमारा हो गया अभी गाड़ी का काम, और कुछ नहीं है अभी, हम हमारी तैयारी करते हैं और यहाँ से चलते हैं अभी। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।